को अगर मैं एक बार दिखाता हूँ, जो बंदे सीख रहे हैं उनका एक बार परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको। मतलब काफी दूर से बंदा है और कल से आया था मिलने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और मेरे लॉसेस नहीं ले रहे होंगे। अगर ले रहे तो कैसे कॉल करते हैं मेरे से सी हो, है ना, मेरे को देखते रहो। बाकी अभी मार्केट खुला है, बहुत भयंकर ज्यादा गैप डाउन और इतनी बड़ी कैंडल आई है बैंक निफ्टी में। एक ही कैंडल ने पूरा गैप ही फिल कर दिया और जिस तरीके का सिचुएशन है, जिस तरीके की कैंडल है, उसके बाद मुझे लग रहा है साइडवेज हो जाएगा। तो अभी देखते हैं फिर निफ्टी की कंडीशन। ये रहा फिर निफ्टी और ये कहीं स्विंग के आसपास तक जा सकता है। ये रहा बैंक निफ्टी, देखो कैंडल देखो, एक कैंडल इतनी बड़ी है। अब इसमें क्या करेगा आदमी, कहाँ ऐसे लगाएगा, कहाँ ट्रेड करेगा? निफ्टी में तो चलो, इसमें तो चलो, इसमें तब भी ठीक है, इसमें भी ओपन होता है गैप डाउन एंड देन कवर अप, गैप डाउन कवर अप गैप डाउन। तो अपन देखते फिर निफ्टी में हो सकता है, अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल से अगर हम देखते हैं यहाँ पर से, तो रेजिस्टेंस है अभी जहाँ पे रुक रहा है ना। और फिर निफ्टी में काफ़ी दूर है, लेकिन फिर निफ्टी में भी रेजिस्टेंस लेवल ही है कह सकते हो उसको आप। और इसमें अगर लेवल्स को ड्रॉ करना है तो ऐसे करके आप सीधा सीधा लेवल बन जाता है। ये तो मूव कर रहा है फिर निफ्टी सपोर्ट लेके नीचे से, निफ्टी भी इस जगह पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखते हैं कुछ, आज फ्राइडे है, वैसे भी ज़्यादा खचर वचर करना नहीं है, अगले हफ्ते से देखेंगे जो देखेंगे। मॉर्निंग में मैं यहाँ गैप डाउन में पुट में बना रहा था एंट्री, पर पुट के प्रीमियम भी बहुत ज़बरदस्त भागे थे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को क्योंकि ये ऊपर सुपर पुलिस और एकदम से इतना बड़ा गैप डाउन और बैंक निफ्टी एकदम से सपोर्ट लेके नीचे से आने लग गया, तो कुछ खास वो आया नहीं इसमें कॉन्फिडेंस में। और बाकी पूरा मार्केट देख सकते हो, तो वैसे अभी कभी बड़ी कैंडल से बनती है ऐसी, अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो अभी ऐसा कहाँ लगाओगे एंट्री, कहाँ लगाओ, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इसमें 9 और 20 एमए भी लगा रखा है, 20 एमए को भी लगा रहा थोड़ा सा। अगर आज फ्राइडे तो डीप मतलब इन द मनी में अगर कोई ऑप्शन बाय करके अगर मैं छोड़ दूँ तो हो सकता है वो भी हमें कुछ दे दे अच्छा खासा। तो वेट कर रहा हूँ ये 20 एमए के आसपास कहीं आए और इजेक्शन दे, तो मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसमें। हाँ, तो यहाँ पे फिर निफ्टी ने, ये निफ्टी ने कोई ब्रेक डाउन दिया है। मैंने यहाँ पे फिर निफ्टी में मॉर्निंग में छोटा स्कैल्प बनाया था इस जगह पे, क्योंकि यहाँ 20 एमए भी मैं लगा के देख रहा हूँ आजकल, 20 एमए पे भी एक काम चल रहा है थोड़ा बहुत। तो इसमें अराउंड 16,000 बना था मॉर्निंग स्मॉल स्कैल्प, क्योंकि ये कैंडल इसके हाई के ऊपर निकल चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग का प्लान किया। इसके लोगा ही एसएल था मेरा एंड बैंक निफ्टी भी अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है और निफ्टी भी अभी रेजिस्टेंस लिया है अपनी। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर जोड़ें, अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा के भी अगर आपको दिखाऊं तो ये कह सकते हो इस तरीके का कोई रेजिस्टेंस लिया है इसने, इसने भी लिया है और बैंक निफ्टी ने भी लिया है। पूरी सारा मूव खा चुका है अभी, वन साइड ट्रैप किया है, हो सकता है मूव आ जाए नीचे को। तो अभी एक जबरदस्त बिग बार सेटअप बना है अपना और उस बिग बार अपन ने मारा है ट्रेड, काफी सही चला है सेटअप। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, तीनों जगह बना है। देखो ये बिग बार ट्राई किया मूव, ट्राई बिग बार स्कैल्प स्कैल्पिंग सेटअप, ट्राई किया मूव बिग बार स्कैल्प। और हमेशा जब थोड़ा सा बड़ा बिग बार बनता है क्वांटिटी कम रखी जाती है। ये अर्ली एंट्री का सेटअप है, इसको मैं शेयर करने वाला हूँ अपने बिग बार वाले उसमें अभी, ये जिनको बिग बार समझ में आ गया है। तो इसमें इस कैंडल का हाई का प्रॉपर ऐसा लेता हो, उसके साथ आप लंबा ट्रेड भी कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर अपना ट्रेड बना था बिग बार और स्कैल्प, सिंपल सा स्कैल्पिंग, अराउंड 49,000 अपना बन चुका है इसमें। तो ये रहा अपना, ये देखो बिग बार 30 हुआ सीधा, उसका प्रीमियम नेक्स्ट 30-60 टच कर गया, ऑलमोस्ट डबल। अभी फ्राइडे है, फिर निफ्टी के अंदर का है, तो काफी जबरदस्त तरीके से स्कैल्प यहाँ पर हुआ है। और बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने बिग बार पर काम किया होगा, बिग बार एंड स्कैल्प काफी सही मोमेंटम मिला है। तो ये अभी हो चुका है, अभी मेरे को करना है ट्रेवल, तो इतना आज के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी है। तो देखते हैं अभी और क्या कर पाते हैं। हाँ, तो अभी मार्केट वही फॉल कर रहा है, कंसिस्टेंट लगातार गिर रहा है, बिग बार बन रहे हैं। और जो बिग बार पे स्कैल्प कर रहा होगा अच्छे खासे सेटअप बनने होंगे। एक बिग बार सेटअप था एक, ठीक है, ये मैंने 20 एमए लगा रखा है, 9 एमए पे के अकॉर्डिंग जाओ तो परफेक्ट बिग बार सेटअप है ये। और ये भी जो कर रहा है ठीक है, अपना तो आज का हो गया, क्योंकि अपने को ज़्यादा पहले एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो अभी तक तो इतना है, फिर अभी देखते हैं। और अभी मेरे को ट्रैवल भी करना है, तो गाड़ी में जाते हैं तो कुछ मिलेगा तो करेंगे पक्का ट्रेड, वरना अभी तक तब तक इसको देखते हैं यहाँ पर क्या चलता है मार्केट में। तो अभी अपन निकल चुके हैं, अपना जो ट्रेड चल रहा है आज ठीक है, फ्राइडे, फिर मंडे से करेंगे अच्छा खासा। अभी ट्रैवल करते करते कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो अभी अपन निकल लें अल्मोड़ा की तरफ। और अभी कोई आया है मेरे इधर यूपी से कोई मिलने कल रात से, तो यहाँ के पास में एक होटल है वहाँ पर रुका हुआ है, तो उससे मिलते हुए जाएंगे, पूछेंगे भाई तुम मेरे से मिलने आए हो, कहीं कहाँ जा रहे हो, पता करना पड़ेगा, नहीं इतना दूर मत आया करो भाई। तो एक बार मिल लेता हूँ उससे, फिर मिलते हुए जाऊँगा।
तो यार मतलब काफी दूर से बंदा है और कल से आया था मिलने के लिए, तो ये रहे यहाँ रुके हैं। यूपी से इतना दूर आना कोई वो थोड़ा है, लॉजिक ही नहीं है ये भी, जबकि अभी ये ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे, करना स्टार्ट करेंगे अभी, मतलब कि अभी मैं स्टार्ट करना कर रहा हूँ, तो मतलब गाइडेंस के लिए, इतना दूर गाइडेंस के लिए थोड़ा आया था भाई गाइडेंस के लिए इतना दूर आया कि अब क्या करूँ, ट्रेडिंग ही करना है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं किया जाती यार, ट्रेडिंग करने के लिए पहले एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, तभी तो करोगे, बिना उसके ऐसे मत करो। या तो आपका आने का पर्पज बनता था कि अगर आपने ट्रेडिंग की होती, उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती, उसमें कुछ परेशानी होती, तब तुम आते। ऐसे इतना दूर आके खाली अपना पैसे को बर्बाद करना, वो एक सही वो नहीं है, बट चलो ठीक है यहाँ तक आ गए, अच्छा लगा। नाम तो बता दो तुम। अनवर अंसारी। ये अनवर अंसारी जी हैं, ठीक है। तो जो कि यूपी कहाँ से? देवरिया जिले से आए हैं, यूपी से, काफ़ी दूर आ गए भाई, और बरसात चल रही थी लगातार, तो ऐसे नहीं आना है, बट अच्छा ठीक है, आज ही चले जाएंगे वापस मिल के। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं गेस्ट हाउस पे, जहाँ नीचे आवाज़ आती रहती है, और मार्केट हो चुका है क्लोज, और एक स्कैल्प किया था, तो मैं आज का दिखा देता हूँ मैंने आज की ट्रेडिंग कहाँ पर क्लोज़ की है और क्या मेरी ट्रेड पोजिशन रही है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो अपनी ट्रेड पोजिशन चली है, इसके बाद एक फाइनल स्कैल्प किया था मैंने 3 PM पे, और एक बीच में कहीं पे किया था, बिग बार पे थे, ये वाला पे एक स्कैल्प था और एक यहाँ पे था, 3 PM कैंडल पे एक स्कैल्पिंग की थी मैंने, अराउंड 78,000 पर आज हम कर रहे क्लोज आज का दिन, और ट्रैवल करते करते ही था ये वाला ट्रेड 19,000 की पुट ऑप्शन में, 26,000 और एक 2,000 फिर बनाया था, तो 78,000 पर आज का दिन हो रहा क्लोज। तो देखते हैं हम कब तक इसको ओवरऑल कवर अप करते हैं लॉस को, स्लो एंड स्टडी। तो ये था मेरा लास्ट ट्रेड 3 PM पे, 3 PM से पहले, 3 PM की जो अपनी कैंडल आई थी उससे पहले ही एक ट्रेड लिया था मैंने, जिसको जो कि ये जो कैंडल है, ये इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बना ली थी, जो ये कम्प्लीट थोड़ा सा इजेक्ट होके दिखा रहा है, बट उस वक्त जब ये कैंडल कम्प्लीट बिग बार टाइप बन गई थी, मतलब रेड कैंडल पूरा कंप्लीट बन गई, उसी मैंने एंट्री बना लिया था, और 3 PM पे एक डायरेक्शनल मूव आया, सेम कल वाला कॉन्सेप्ट था, सेम चीज़ देखो, कल वाला कॉन्सेप्ट 3 PM से पहले एक मूव आया था, है ना, 3 PM पे सेम एक कैंडल आई थी, इसके बाद डायरेक्शनल गया, तो अपन की कहीं एंट्री थी कल भी, और सेम कॉन्सेप्ट है, आज मैंने डायरेक्शनल मार्केट में इधर भी लगाया था कि यहाँ प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि ऊपर टिक नहीं रहा है, जितनी बार भी ट्राई कर रहा है, ट्रैक जितनी बार भी कर रहा है, 9 EMA ब्लू वाली 9 EMA इससे रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी एक छोटा स्कैल्प किया था मैंने, एंड फिर यहाँ पे ये वाला जो एक बिग बार आया था, इस वाले बिग बार में कंप्लीट इसको ट्राई किया मैंने कैप्चर करने की, ट्रैवल करते हुए ही कर रहा था, तो आज का ऑलमोस्ट 78,000 पे अपन कर रहे हैं आज का दिन क्लोज, और कंप्लीट ट्रैवल ही कर रहे थे, थोड़ा सा आउट सिस्टम से थोड़ा सा बात है कि थोड़ा ट्रैवल करते हुए ट्रेड चल रहा था, तो अब देखते हैं इस वीक तो अराउंड जो अब आप कैलकुलेट करते रहो कितना लॉस ओवरऑल कवर हो रहा है, 570,000 हुआ था तो 70 कवर हो गया, 26,000 रुपये कल आया था हमने कट खींच के, तो अब ये मान लो अराउंड 5 के आसपास का भी और है हमारे पास एक लॉस जो कवर करना है, धीरे धीरे उसको करेंगे कवर, बड़ा पैसा नहीं डालेंगे किसी भी ट्रेड में, बड़ा पंचम नहीं किया जाएगा, स्मॉल बड़ा डाल के वो लॉस बड़ा हो सकता है, जितना कम क्वांटिटी कितना जितना कम कैपिटल डाल के आप एक लॉस को कवर अप करते हो, आपका स्किल सेट उतना अच्छा होता है, आपको कॉन्फिडेंस उतना अच्छा आता है, और लॉसेस कभी आपको गलती से बड़े हो भी जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसको कवर अप कर लूँगा, आपके यहाँ पर होप लूज नहीं होती है, तो स्लो एंड स्टडी कैसे मैं कवर अप करता हूँ आप मेरे को देखते रहो। हाँ तो दोस्तों अभी मैं सोया था, बहुत ज़बरदस्त नींद आई थी, मुझे लगा जिसने हमें भाग खिलाया उसने भाग मिलाया था, उसमें पक्का मिला है, सब सो रहे थे, सब सो रहे पूरी। तो इनको लात मार के उठाना पड़ रहा है, उठ जा उठ जा, अच्छा तू लेट में उठाया, तो अभी अपन जा रहे थोड़ा सा आउटिंग, मतलब थोड़ा कुछ चटर बटर खा के आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, भाई आपको आज का मेरा क्या रहा पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे खाने पीने के लिए, तो एक फैन फॉलोइंग कुछ होती है ना, कुछ खतरनाक फैन खोलेंगे, तो वहाँ से एक अपने पास आया गिफ्ट, अब इसको मैं खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है, तो पता नहीं कुछ इसी तरीके का गिफ्ट बना के रखते हैं, टेप चुपका लगा के, फैन मोमेंट भाई वाह भाई
इस साल को भी ले लो आपके ब्लॉग देखता हूँ मैं कहीं बात करते हैं तो एक गिफ्ट आया अपने लिए कैसा लगा बता तो फाइनल दोस्तों कुछ हम गए थे थंबनेल में एक ही जैसा हो रहा है तो थोड़ा सा एक दो टी शर्ट लेके आ गए हैं थोड़ा डिनर भी या कुछ अपने ब्लॉग्स देखने वाले लोग मिले और एक बढ़िया सा जबरदस्त बनाया था मेरी फोटो का गिफ्ट मतलब वो आर्ट बनाई अपनी तो वो भी काफी जबरदस्त था। बाकी ऐसी था अपन कैसे स्लो एंड स्टडी अपने लॉस को कवर कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी डाल के नहीं किया जा रहा है क्योंकि मार्केट फिर इतना जबरदस्त मार्केट चल रहा है फिर भी अपने आपको पेशेंसली बैठ के कंट्रोल करके ट्रेड किया जा रहा है ऐसी ट्रेडिंग करना होता है ठीक है। और कल अपना जो 100 की सेलिब्रेशन पे मैंने एक डिस्काउंट कूपन दिया था वो उन लोगों के लिए है जो ऐप में सीखने के लिए आए हैं बंदे जो ऐप में लर्निंग पर्पस के लिए आए हैं ठीक है तो उन लोगों के लिए था। तो बहुत लोगों का आया था भाई आप भी ये सब करने लगे आप भी बेचने लगे यार वो जो सीखने के लिए आ रहे हैं उसको मैं क्या करूंगा बताओ जिनको सीखना है उसी से तो सीखेगा जो उस फील्ड में कर रहा है जो उस फील्ड में जिसने करके दिखाया है बंदा उसी से सीखेगा उनसे तो और उनसे तो सीखेगा नहीं कि यार आए सोच चार्ट पे ज्ञान पे लें है ना। तो इतने लोग अगर सीखने आ रहे तो मेरा काम उनको सिखाना और सिखाने तो सिखाने के लिए आप जैसे अपने एक टीचर को फीस देते हो स्कूल में कोचिंग इंस्टीट्यूट में वैसे ही एक मिनिमम मैंने की चार्ज रखा हुआ है ना ताकि आएगा बंदा तो बैठेगा है ना उसने उसको पता होगा कि मैंने कुछ पे किया है तो इससे वसूलना है ना। तो इसीलिए हर जगह मैं हमेशा कहता हूँ फ्री के ज्ञान की वैल्यू कहीं नहीं होती। YouTube पे इतनी वीडियोस है क्यों नहीं सीख लिया भाई क्यों नहीं उससे आपको समझ में आई चीजें जब आप कहीं पर थोड़ा सा पे करते हो ना इसका मतलब आप अटेंशन दे रहे हो आप बैठोगे तो मिसकंसेप्शन आप अपना दूर कर दो कि यार ये जो है हर एक मतलब ये अपने कोर्सेज बेच रहे हैं बेच नहीं रहे हूँ मैं अगर पढ़ा रहा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी है और इसलिए है क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ ठीक है। जहाँ पर मेरा अगर टाइम जा रहा है मैं उनको चार चार पाँच पाँच घंटे लाइव क्लासेस अगर मैं उनको दे रहा हूँ चीजें समझा रहा हूँ है ना सिस्टमेटिक तरीका बता दूँ कि कैसे अप्रोच करना है कैसे लॉसेस को कम करना है ठीक है उनको ट्राई करता हूँ कि आप अपने हिसाब से सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने तो उसमें कोई गलत नहीं है है ना। ऐसे तो आप अपने टीचर को कह सकते हो भाई आप पढ़ा के दो आप खुद ही कर लो नौकरी है ना एमबीए वाले से आप बिजनेस क्यों नहीं बनाया बिजनेस क्यों पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन अपने अंदर ऐसा मत रखा करो। हर कोई ट्रेडर अगर मैं कुछ बता पा रहा हूँ आप मेरे को सुन रहे हो इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने कुछ उखाड़ा है मैंने अपने आप को प्रूव किया है ना मैंने वो लॉसेस को कवर किया तो लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं मेरे जिस जो फेस में था उस फेस से लोग को कनेक्ट होते हैं। आप अगर मेरा इनबॉक्स देखोगे आप मेरे मैसेज देखोगे कमेंट्स में ही देखोगे हर कोई बताता है सर ये हो गया ये हो गया सेम सिचुएशन तो निकला है तो हर कोई सोचता है कि ये इससे अगर कुछ पूछेंगे तो सीखेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो एक वो सिखाने का एक फीस होता है तो उसको आप ये मत इस तरीके से मत लो कि यार ये तो ऐसा बेच रहा है मैंने ऐसे और मैंने एकदम मिनिमम चार्जेस रखे हैं जो शायद ही ट्रेडिंग में इतना मिनिमम चार्जेस होगा है ना जो कि एक जिसका सब कुछ ट्रांसपेरेंट है पूरा पीएनएल पब्लिक में खुला हुआ है तो थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन आप मत रखा करो। बाकी मैं खुद ही कहता हूँ भाई मैं अगर टीचिंग भी करा तो मिलेगा नदर सोर्स ऑफ इनकम है मैं कल के इनमें वर्कशॉप चलाऊंगा वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है मेरे मैं ट्रेडिंग से मैं कर रहा हूँ और मेरा ट्रेडिंग से मैं जैसा रहता है वैसा आपको पता रहता है तो ट्रेडिंग में करे तो अगर जो कोई सीखना चाह रहा है तो अगर आप भी करो तो उसको सिखाओ है ना मिस गाइड मत करो ठीक है। तो ना मैं किसी टाइप का किसी को ट्रेड्स देता हूँ ना आज तक कभी दिए और ना मैं कोई टेलीग्राम चैनल चला रहा हूँ कि आओ जुड़ो मैं तुम्हें टिप कॉल दूंगा वो कॉल दूंगा मैं चलाना चाहूँ क्या नहीं चल सकता क्या इतना ज्यादा लोग आ जाएंगे उसमें सिर्फ इस होप में कि हमें ट्रेड्स देगा मुझे पता है उससे कुछ होना नहीं है सीख के करेगा बंदा खुद करेगा अपना मैं इंप्रूवमेंट कर लेगा तो मेरा काम है मेरे पास आया तो सिखाने का ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस नेगेटिव वे में मत लिया करो और कोई कुछ ले कह रहे थे कि भाई आप जेन्युइन हो ठीक है अरे तो जेन्युइन है तो मेरा तो सब कुछ ही खुला हुआ है ना तो ट्रेडिंग से और सिखाने से जेन्युइनिटी का क्या वो रहता है ये बताओ। अगर आपको लगता है कि यार एक ट्रेडिंग कर रहा है बंदा और एक तरफ वो सिखा रहा है तो अभी सिखा के रहा है तो ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा है मतलब ट्रेडिंग में और सिखाने में जेन्युइनिटी का क्या मतलब आ गया ये बता दो। तो ऐसा बोलने से पहले आप खुद भी सोचा करो कि हाँ अगर कोई किसी को सिखाएगा मैं अगर एक ऐसी स्किल सिखा रहा हूँ आज की डेट में अगर मेरे से कोई सीख रहा है ऐसी स्किल पर काम कर रहा हूँ जिससे वो विद इन सेकेंड पैसा बना रहे विद इन बैठेगा सिस्टम पर उसको चीजें समझ में आने की वो दिन के हिसाब से पैसा बनाएगा तो कभी ऐसी स्किल को फ्री में मिल जाए तो मैं ये उम्मीद मत लगा करूँ है ना। इतनी क्या बोलते हैं उसको हाईएस्ट पेड स्किल है दुनिया की ट्रेडिंग हाईएस्ट पेड स्किल अगर आप सर्च भी करोगे तो ऐसी स्किल को फ्री में सीखने की जो सोच है ना कि यार हमें ये फ्री में सिखा दे और हम पैसा बना दे तो भाई अगर मुझे चैरिटी करनी है मैं उनके लिए करूंगा जो लोग जिनको जरूरत है ना जो लोगों को जरूरत है उनके लिए किया जाएगा। आपके पास पैसा आप हाथ को आईफोन पकड़ के फर्स्ट क्लास फोन पकड़ के ट्रेड कर रहे हो और आप यही एक्सपेक्ट करते हो हमें फ्री में सीखने को मिल जाए इसका मतलब आपका जो थिंकिंग लेवल है वो यहाँ है ट्रेडिंग के अंदर हाई स्किल सेट रखा करो भाई। अभी कभी जो थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से होते हैं जो अच्छे घराने के लोग होते हैं
है ना रिच क्लास, उनसे पूछना कभी, वो स्किल के लिए पे करते हैं, खुद पे करते हैं, पूछते नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, सर आप मेरा वन ऑन वन ले दो, मैं इतना देने के लिए तैयार हुई है, लेकिन नहीं, मैंने जो एक एवरेज रखा है मिनिमम सरप्राइज वो रखा हुआ है। अगर आपको सीखना तो आप उतना पे कीजिए, मैं अपने तरफ से जो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि यार इन्होंने कुछ ना कुछ पे किया, तो इनको टाइम देना है, इन पर ध्यान देना है, ठीक, इसलिए होता है। वरना मेरे पास मैं क्यों दूंगा ध्यान यार। यूट्यूब भी अगर मैं रोज के रोज चला रहा, यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ, यूट्यूब से कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम तो है ना यूट्यूब, तो इसीलिए आपको जहाँ से बंदे को फायदा होता है वहाँ वो मेहनत करता है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से आप निकाल के रखो कि ऐसा 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 जेन्युइनिटी और सिखाना, टीचिंग और जेन्युइनिटी का कोई वो ही नहीं रहता, मतलब कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये टीचिंग कर रहा है जेन्युइनिटी और टीचिंग से क्या मतलब हो गया यार, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मेरे को मतलब वो नहीं लगा था कि यार मैंने वो डाला था कि यार जो ऐप के अंदर है उनके लिए, मतलब पूरा कंप्लीट हाफ सेट पकड़ गया था मैंने, वो भी सिर्फ दो दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसा वो मत किया करो, कंपैरिजन मत किया करो, हर चीज जब खुली हुई आपके सामने तो फिर भी कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। बाकी आपका अपना पर्सपेक्टिव है, मैं तो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जैसा करता हूँ, जो मेरा है, मैं मुंह फड़ हूँ, खुला बताता हूँ, ऐसा है, ठीक है। तो और बाकी अगर आप चाहो, आपको अगर मैं एक बार दिखाता हूँ, जो बंदे सीख रहे हैं उनका एक बार परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको, फिर आप फिर ये कहना कि भाई तुमने बंदों को सिखाया है, एक मिनट रुको। तो ये लोग हैं जो जिनको मैं गाइड करने का काम करता हूँ, जिनको मैं सिखाता हूँ चीज़ें, समझाता हूँ मार्केट में, लाइव में अगर इनसे किसी से पूछना कि लाइव में मैं इनको किस चीज़ पर फोकस करवाता हूँ, चार्ट से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं, मेरे को इनका सिर्फ इससे मतलब होता है कि यार ये जो अपने लॉसेस है उस पर कंट्रोल करके रखें। अगर मेरे पास आए हैं सीखने तो मैंने वो चीज़ देनी है ना जो मैं अपने पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये काम करने पर लगे हैं इन टू लॉट्स, है ना। तो ये देखो इनका अपना, ये मेरे को अगर मेरी तरफ से ना कोई मैसेज गया हो ऐसा कर लो, इनकी खुद की एनालिसिस, खुद सीख रहे कर रहे बंदे अपनी तरफ से, ठीक है, और अपनी ही एनालिसिस आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपना ही एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, और क्या इनसे गलती हुई, क्या चीज़ें हो, एक की गलती हुई तो दूसरा उसको एक्सप्लेन करा चाहिए। ये कम्युनिटी टाइप की मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्डअप करने की, ताकि लोग अपने ऊपर काम कर सकें और अपना जो है ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकें, अपनी साइकोलॉजी अपने माइंडसेट पर काम करें। जो मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको एक्सप्लेन करने की, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ये देखो लॉसेस कंट्रोल है, प्रॉफिट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मैंने इनसे पूछा था लॉसेस कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस ये तो चाहिए हमें, कुछ नहीं हमें प्रॉफिट से मेरे को कोई मतलब नहीं, आप बनाओ क्या है कैसा बनाओ वो सब आपका है, मेरा काम इतना है, मेरे पास आए आप मेरे से सीख भी रहे हो चीज़ें, मैं आप मेरे से टाइम ले रहे हो, तो आप बस वो करो कि आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करो, अपना आपका सर इस वीक 3 लॉस 1 डे प्रॉफिट बट 50 प्रॉफिट है क्योंकि आपके अटेंडेंस, हाँ देखो ठीक है इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर कोई वो उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी टाइप का, आपको क्या बोलते हैं एक तरीके से ये जस्टिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं कि आओ मैं अंदर चाहे तो एड्स भी चला सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन जो आ रहा है सीखना अपनी उससे आ रहा है, उसे सीखना है, उसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट से सीखने में, वो साइकोलॉजी माइंडसेट जो मैं रखता हूँ वो चाह रहा है कि हाँ मेरा भी इनकी तरह हो या मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं जो चीज़ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और उसको पूरा एक तरीके से कहते हैं ना 100% देके ट्राई करता हूँ उनको कि ये चीज़ें समझें, नहीं समझते हैं तो मैं जबरदस्ती समझाने की कोशिश करता हूँ कि मत करो मत करो, ये करो ये करो, अपने इंडिपेंडेंट ट्रेड करें भाई। तो मेरा काम यही है, आपको अगर आप मेरे पास ऐप, मैंने ऐप बनाया, ऐप के अंदर मैंने कुछ लर्निंग कंटेंट दे रखा, आपको सीखने के लिए दे रखा है, या मैं कहीं पर अपना टाइम देके आपको 3-4 घंटे लाइव में बैठा के आप मेरे को देख रहे हो, तो मैं अपने आपको वो चीज़ डिलीवर करूँ जिससे आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, जिससे आप खुद करो, किसी का आपको लाइव देखने की जरूरत ना पड़े, किसी का वो कॉल टिपी पे टिके रहने की जरूरत ना पड़े, या किसी को जब कोई आपको ट्रेड दे तब आप लो, ऐसा ना। तो एक तरीके से होता है ट्रेडिंग, तो वही मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, और रही बात कि इससे क्या फ़ायदा, इससे ये मेरे लिए एक सोर्स, अनदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। टीचिंग, अब कल के दिन में और भी सारे मेरे टास्क रहेंगे, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि हाँ काफ़ी लोग ऑफलाइन सर मुझे ऑफलाइन सीखना, तो हम ट्राई करेंगे कि अगले 2-3 महीने बाद हल्द्वानी जैसे सिटी में अपना एक ऑफिस करके प्लान करेंगे, जहाँ पर मैं ऑफलाइन सिखा सकूँ उनको, बंदे बैठे 1 महीना उन पर काम किया जाए, तो ठीक है, इससे बंदा बनेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, खुद करेगा। तो ये चीज़ अगर गलत है तो मेरे को कमेंट करके बता दो कि भाई ये चीज़ गलत है, आप में मत करो और आप अपना करो, और कोई सीखने आता है कुछ नहीं करना उन्हें, है ना। सही बात है नहीं, मतलब मैं अगर आपको अपने इनबॉक्स दिखाऊंगा ना दोस्त, मतलब इनबॉक्स दिखाऊंगा, अपने मैसेज दिखाऊंगा, अपने कॉल से सुनाऊंगा, आप खुद पागल हो जाओगे कि भाई अब इनको कैसे डील कीजिए। तो एक हमने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि आप इतना एक पे अमाउंट, सर्टन अमाउंट पे कीजिए और आप आ सकते हैं हमारे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, इससे मैं भी आपको अटेंशन दूंगा और आप भी अटेंशन दोगे क्योंकि आपने दिया है और मैंने लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा ये पर्सपेक्टिव था, लर्निंग के फेज में जब आप सीखने जा रहे हो तो वहाँ पे कभी सामने वाले को ये मत कहा करो कि भाई ये तो इससे कमा रहे हैं,
कमा नहीं रहा भाई, आपको अपना टाइम दे रहा है। एक स्किल जो स्किल से वो पैसा बनाता है, वो स्किल आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। और आप वो स्किल सीख रहे हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए, और कल के दिन में जब कर जाओगे ना, तब आप ये वहाँ पर 2-4-5-10 हज़ार की कोई, तब आप वहाँ उस चीज़ को याद रखो, आप उस स्किल को याद रखो कि हाँ यार इससे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है। तो सीखने के लिए जॉब होता है, आप सीखने के लिए खर्च कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। ऐसे ट्रेडर से सीखो, किसी से भी सीखो जो खुद कर रहा है ना, जो चार्ट पे ज्ञान पेलना अलग होता है, जो खुद कर रहा है, जो खुद फेस से गुजरा हुआ है, जिसका सब कुछ आपको दिखा हुआ है, ऐसे ट्रेडरों को फॉलो करो, ऐसी चीज़ों से सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैं देख रहा था भाई आप भी ये सब करने लगे, सब करने लगे, अरे यार ठीक है मेरे पास लोग आ रहे सीखने के, तो मैं सिखाऊंगा, उसमें क्या गलत है? गलत है मेरे को कमेंट करके नीचे बताया ना, मैं क्या होता है आने वाले टाइम में बंद कर दूंगा, ठीक है। लर्निंग कंटेंट पड़े रहेगा, आओ देखो अपना मैं अपनी तरफ से क्या ही दे पाऊंगा फिर, ठीक है। तो मैं कमेंट करके आप मेरे को बताया ना कि अगर ये चीज़ सही है या गलत है, मैं गलत चीज़ किसी को डिलीवर कर रहा हूँ या गलत गाइडेंस दे रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो। आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए मतलब फीडबैक रहेगा, मैं उसका पक्का काम करूँगा, ठीक है। तो रही बात आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, और जो फ्री लर्निंग वीडियोस में ऑलमोस्ट फ्री लेके आ रहा हूँ सभी के लिए, और इतना ज़्यादा कंटेंट है, मेरे को भी रिकॉर्ड करने में ऑलमोस्ट आधा 15 दिन लग चुका है उसमें, तो इतना ज़्यादा कंटेंट है, तो आप उतना ही सीख लोगे ना दोस्त, उतना ही सीख लोगे, मार्केट में आपको टिकना आ जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जल्दी आ रहा है, और आज काफ़ी दूर से एक बंदा मिलने आया था, यार ऐसे नहीं आना है दोस्त, अब अगर देख रहे हो तो ऐसे नहीं आना है, ठीक है। इतना बड़ा रिस्क लेके ऐसे बरसात में नहीं आना है, और अभी हम इधर आए थे अल्मोड़ा में भी, तो यहाँ पर मिले एक, और बाकी सब तो आपने देख ही लिया है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, है ना। और कल के में अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग करोगे तो आपका ब्रोकर थोड़ा बहुत हमारा भी सम्मान कर लेगा तो बाकी मेरे चैनल को शेयर, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, घंटी बटन दबाओ। अगर आपको मेरे पे कोई चीज़ ऐसी लगती है कि भाई चीज़ छुपा रहा है, तो मुझे बता दो कमेंट करके, मैं आपके सामने पूरा चिट्ठा उसका खोल दूंगा, ठीक है, कि यार क्या है और क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ छुपा रहे हो, ऐसे छुपा रहे हो, पीएनएल में क्या छुपा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पहले अभी ये सब नहीं है, हम और कुछ और करें या करें, जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका फीडबैक लूँगा और उस पर काम करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो ऐसी कंसिस्टेंट ब्लॉगिंग रहेगी, लॉस को कैसे कवर कर रहा हूँ आप मेरे से वो भी सीखते रहो, क्योंकि लॉस हुआ है, हर किसी को होता है, कवर कैसे जाता है ये नहीं दिखता है कभी लोगों को, तो वो दिखाना जरूरी है, उससे आप सीखोगे भी, और किस तरीके से एक ट्रेडर बड़े लॉस को भी कैसे कंसिस्टेंटली कवर करता है वो भी आप सीखो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।